खराब हो ना, तुमने जान के शूट की कमांड दिया ना इसको, जान के झूठे झूठ मत बोलो। देख लो कैसे कैसे ना कहते ना रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इसकी अब इसको माँ चाहिए है, जब इनके अंदर की जवानियाँ फूट रही होती तब इन्हें लड़कियाँ चाहिए, अब इसको माँ का प्यार चाहिए। मैं पानी लाया हूँ। हाँ मम्मा खुशी कर दो एक फटाफट। ये बंदा ना इसके जेब से नोट निकलवाना ना इस दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है। ना कंजूस कंजूस इंसान है ना ये, महा कंजूस इंसान। यहाँ पे बुक शॉप है, वहाँ से ना 10th की NCERT उठा के लेकर आई हूँ। थैंक यू। ये लो तुम्हारा मैगनीशियम। पर याद है रात को मम्मी पापा को भी लेकर आए थे अनार का जूस पिलाने, जब मैं प्रेग्नेंट थी राहुल तुमने मुझे यहाँ के बहुत पिलाया अनार के। भाई हो गया हो गया, लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा। Hi guys, good morning, welcome back to another vlog. आज व्लॉग शुरू करने में थोड़ी सी देरी हो गई है क्योंकि सुबह से पता नहीं कहाँ ही गुंजल थी मैं, कहाँ ही फंसी हुई थी भगवान जाने, पर back to back चीजें चल रही थी, कॉल्स, ऑफिस की मीटिंग, मैनेजर के साथ 1-on-1, ये सब चीज़ें, और टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा था, कैमरा उठाने का मौका ही नहीं मिला, और कोई बहुत ऐसा इवेंटफुल डे भी नहीं था अभी तक का, सिर्फ वर्क रिलेटेड था, और आज व्लॉग डालने में भी देर हो गई थी। तो जो जो लोगों के कमेंट्स आए कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो ये रीज़न था कि कुछ यूट्यूब पे अपलोडिंग इशू आ रहा था, नहीं तो टाइम तो मैंने वही चूज़ किया था जो मैं रोज़ जिस पे अपलोड करती हूँ, बट बाय चांस HD प्रोसेसिंग इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। आई होप आप लोगों को बुरा ना लगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना ज़रूर ब्लॉग। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं शिवाय को छोड़ने के लिए स्पीच थेरेपी, उसकी आज क्लास है, और उसकी क्लासेस होती हफ्ते में 3 दिन, तो आज भी है, और मैं उसको छोड़ूंगी पहले अपनी मम्मी को कलेक्ट करूंगी उनके घर से, और वो शिवाय को लेकर जाएंगी क्लास, उन दोनों को क्लास उतारने के बाद राहुल और मैं वापस घर आएंगे, और घर पे आके फिर से अपना काम रिज्यूम करेंगे, थोड़ा सा शायद जिम भी करेंगे। आज आप जिम करोगे? देखता हूँ आज क्या टाइम है, टाइम हुआ 3:20। ओके अभी तो टाइम 3:20 हुआ, लेकिन आप जिम करोगे कि नहीं करोगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को अभी अपना ऑफिस का पहले काम देखना है, उस हिसाब से जो टाइम बचेगा। आज शायद मैं शाम को बास्केटबॉल खेलने जरूर जाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन सनी सर को बुलाना है जिम के लिए कि नहीं? हाँ, बुलाना। तो तुम जिम करोगे ना इसको? करूंगा मैं। तो ये तो पक्का हो गया कि आज हम जिम जरूर करेंगे, और लोग कह रहे हैं आप रोज चेस्ट की एक्सरसाइज करते रहते हो, इसके अलावा आप कुछ करते रहते हो, पतला कैसे होगा, जवाब दो इसका। पतला मैं हो ही नहीं सकता, तो जो लोग अगर देखना चाहते हैं मेरी पुरानी बॉडी कैसी है, तो ये देखो ये जो पिक्चर्स है ये मेरी पुरानी बॉडी की है, और ये पिक्चर्स हैं 2014 की, जब मैं इंडिया आया था वापस, तो ये पिक्चर्स देखो और आपका फर्क आपको पता चल ही रहा है। और नोमी दीदी अपना हालचाल भी बता दो, कैसे हो आप? मेरा सारा ठीक। ठीक हो आप? नोमी दीदी ना शर्माती रहती है, मेरा सारा ठीक हो। तो गाइस नानी को पहले गाड़ी में बिठा लेते हैं, फिर नानी से थोड़ी सी बातें करते हैं। और दीदी अभी भी हंस रही है पीछे बैठ के, मतलब हंसती रहती है। चलो अच्छा है, घर में आपके साथ जो भी रहना मेंबर वो हंसमुख होना चाहिए, क्यों दीदी? किसी ने हमसे राहुल ये भी पूछा है वीडियोस में कि आप एक कैट को क्यों नहीं पेट रखते? नहीं, रीजन बीइंग मैं आई एम ओनली अ डॉग लवर। तो कैट खरीदने का अभी हमारा कोई प्लान नहीं? नहीं यार नहीं, तो कैट कहाँ पाल पाएगी, घर में एक बिल्ली है तो वैसे भी जंगली। कौन है? एक जंगली बिल्ली। कौन है यार, हमने कब रखी है जंगली बिल्ली? अरे मुझे पता है, तुम मेरी बात कर रहे हो? नहीं, इतना मारूंगी ना मैं तुम्हें, तुम्हारी मम्मी होगी बिल्ली, भीगी बिल्ली। आए बड़े तुम डॉन समझते हो अपने आप को, मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है, सब बनो बन दांत तोड़ दूँ तुम्हारे। क्या पीना है मम? पीना है क्या चाहिए गोगे? तू तो मम मम वर्ड यूज ही नहीं करता, तू तो पानी बोलता है ना। शिवाय पानी पीना है तो ये ले ले, मैं पानी लाया हूँ। हाँ मम्मा खुशी कर दो एक फटाफट। अच्छा इधर नहीं, लिप्स मम्मा के लिप्स पे जल्दी करो, मत करिए लिप्स पे, क्यों? इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा तुमसे होता होगा इन्फेक्शन। हाय बड़ी, तुम अपने आपको बहुत ज्यादा नहीं समझते हो तो। जैसे कल मन्नी चाबी भूल गई थी घर हाँ। की तो आज ये पानी भूल गई थी, पर मैं पानी लेके आया, और बीइंग ए रिस्पांसिबल फादर एंड अ वेरी वेरी रिस्पांसिबल हस्बैंड, तो मैं पानी भी लेके आया ताकि मेरी बीवी प्यासी ना मैं रहे। प्यासी ना रहूं, मेरी तो पिंक बोतल हमेशा मेरे साथ रहती है। तो है नहीं आला ही नहीं है ना, पीछे रखी है वो, देखो है ना मम्मी दिखाओ। थैंक यू। हां जी मम्मी कैसे हो? अच्छी हूं बहुत। और जेजू कैसा है हमारा? जेजू ठीक है, इसको याद कर रहे हैं सुबह से हम। तो जेजू मिस कर रहे हैं। नहीं किया सुबह से आपको? आज किया थोड़ा। क्या किया? तंग नहीं किया, बस मेरे साथ चिपकू बैठा था, काम कहता कोई नहीं करेगी तू घर का। अच्छा है ना, नानी को सुख दे रहा है, कह रहा है कोई काम नहीं। अब आप मुझे ये बताओ अविरल की शादी की आपको कोई तैयारी की फिक्र नहीं पड़ी है? अरे तुम ही डिले कर रहे हो, तुम्हारी वजह से डिले हो रहा है। मेरी वजह से डिले हो रहा है? तुम ही कह रहे हो, यहाँ घर पे बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। एक बात सुनो, मैं आके बैठ जाऊँ, तुम रेडी नहीं हो, फोन तो तुम उठाते नहीं, बात तो तुम करते नहीं है,
अपने में मस्त हूँ, बताओ मेरा क्या कसूर? बोलो, तुम अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्यों बोलूँ, मैं तो सबके फोन उठाता हूँ। और मैंने जवाब भी दिया आपके मैसेज का? बिल्कुल दिया, दिया राहुल ने दिया। मैं इतना फिक्र, मैं एक बात बता दूं तुम्हें, ये दामाद कभी ना बेटे नहीं बन सकते। तो मैं बेटा बना थोड़ी रही हूं, बेटा थोड़ा बना रही हूं। ये आदमी जो दिख रहा है ना, ये वो है नहीं। आप सोच रहे हो आपका बेटा बन जाएगा? कभी भी नहीं, मम्मी जवाई जवाई रहे। हां तो उनकी मम्मी है ना, भगवान लंबी उम्र दे। हाँ, तो अपनी बेटी का साथ दो, ये मत बोलो हाँ वो उठाता है। वो मैं सबका सच्चाई का साथ दे रही हूँ। हाँ, बड़ी तुम सच्चाई की दे रही हो। मम्मी अब एक काम करो, कल ना पैसे लेके ना थोड़े मेरे पास आ जाना, सुबह सुबह कमला नगर का प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं। उसने अब वो कह रहे शायद उसने अब रिसेप्शन पार्टी पे भी नहीं करना, तो कल चल लो मेरे साथ, चल देखते हैं, चल चलते ठीक है ना। हाँ, तुमने शूज क्यों उतार लिए बेटा? पता तुम्हें जाना है, अब पता चल गया ना क्लास में जाना तो ना रोना पिटना स्टार्ट हो गया। देखो इसकी हरकतें, राहुल अपने फेवरेट रोल खाने हैं तुमने? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं खा लो, नहीं खाने, कहा नहीं जाना, कह रहे नहीं जाना, सुन लो आइसक्रीम मिलने की बात में, कह रहे नो जी, दो और दिन की चार चार छह छह खाते हैं, फिर वापसी में जब लेके जाते हैं तो पापा भी खिलाते हैं। उस दिन नौमी दीदी बता दी आज चार आइसक्रीम खाई हुई है। अरे अटक ही गया ये तो वेलक्रो, चल खड़ा हो क्लास छोड़ के आओ दो मिनट, चल राहुल मेरा पर्स पड़ा, मैं एक मिनट डाल दी इसको क्लास तक छोड़, ठीक है? ओके, रोने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो, बाय शिपू। अरे पलट के बाय तो करते मम्मा को, बाय शिविया। तो शिवाय मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज था और बिना बाय बोले चला गया, बट इट्स ओके, मैं उसको मना लूंगी, जब शाम को पिक करने आऊंगी तो मैं उसको आइसक्रीम दे दूंगी निरुलास से, जो कि उसकी फेवरेट है। अभी चलते हैं घर वापस, थोड़ा सा काम निपटाते हैं, फिर शाम को फिर से लेने आएंगे इसको। तो रास्ते में वापसी आ रहे हैं और घर जा रहे हैं, राहुल से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे मैंगो शेक पिला दो, पर ये बंदा नहीं मान रहा है और मेरे को यहाँ पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैंने कहा बता दो काम मिलता है, मतलब क्योंकि शादी के बाद मुझे कुछ नहीं पता इनके एरिया में आसपास कौन सी चीज़ काम मिलती है, तो इसका मतलब मुझे इस सीजन में मैंगो शेक भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम बता दो, कह रहे मेरे को क्या पता काम मिलता है, तो ये बंदा जो मुझे मैंगो शेक भी नहीं पिला सकता, पिला दो यार प्लीज। अच्छा चल रहा हूँ यार लेके, कहीं ना कहीं तो पिला ही दूंगा तुझे, स्माइल करके दिखा दे कैमरे को सबको, घर ले लो मैं नहीं अब बस नहीं, मेरे को नहीं पीना, तो मेरी कसम मुझे यूटर्न ले लो, मेरे को नहीं पीना, मुझे बस नहीं पीना, मुझे एक बार मैंने कहा था सिर्फ तुम्हें, मैं नहीं लूंगी अब दास के पास लेके जा रहा, मैं दास का तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी, मेरे को लूज मोशन लग जाएगी, मैं नहीं पीऊंगी अब, क्यों तुम घर लो ना यूटर्न लो ना, अब मैं नहीं ले, मेरे को नहीं पीना, मैं नहीं पीऊंगी अब, इतनी इतनी जितनी उसके बाद ना बेइज्जती की बात, तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। बेइज्जती किस बात की हुई है? मैं तुम्हें एक बार बोला तुम क्यों अपनी वाइफ को मैंगो शेक पिलाने भाड़ में गए, तुम्हारे सारे कंसर्न, अब नहीं पीऊंगी मैं, अब ये जहाँ ले जा रहे हैं मैं नहीं पीऊंगी। मैंने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट की थी, मैं कभी कुछ नहीं मांगती, मैंने सिर्फ इतना बोला राहुल। और इस सीजन में ना कसम से गाइस मैंने ना एक आम अभी तक नहीं खाया, कैन यू इमेजिन, किसी ने नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं खा रही, तुम्हारे पापा नहीं खा रहे, मेरी मम्मी नहीं खा रही, मेरे पापा नहीं खा रहे। ये बंदा ना इसके जेब से नोट निकलवाना ना इस दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है, इतना कंजूस कंजूस इंसान है ना ये, महा कंजूस इंसान। देख लो भाई 20 रुपए नियत होनी चाहिए, ठीक है? ओ भाई हो गया हो गया, ओए लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा, और दिल्ली में अगर आप रहते तो आए दिन कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हो पता नहीं क्यों ही लग रहा है, लड़ रहे हैं पूरी दुनिया के, एक जाम लग रहा है फिर भी लड़ रहे हैं। तो गाइस ऐसे झगड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूंगी चुपचाप अपनी जिंदगी संतों की तरह निकाल दो, ऐवे झगड़े करके क्या फायदा। मैंने जिंदगी में बड़े झगड़े करे हैं, लेकिन ना अब ना मैच्योरिटी ना एज के साथ आती है और एक्सपीरियंसेस के साथ, अब मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है झगड़ा करने का, तो मैं तो अब किसी भी, मैं अपने पति के साथ भी झगड़ा नहीं करती, और तो आप बात ही छोड़ दो। और यहाँ मन्नी जबरदस्ती मुझे लेके आई है अशोक विहार की मार्केट, ऐसा हो सकता है मैं कुछ चीज मांगू और तुम ना दो? डंडे पड़े हम आए हैं अभी इस मार्केट के अंदर, और यहाँ डंडों का डर है ना तुम्हें, ये प्यार नहीं है ये डंडों का डर है, तेरे को पता नहीं है मैं किस लिए लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू और सुंदर दिखे। किस लिए? और सुंदर दिखे तू, उससे क्या मतलब है भाई? मैंगो शेक भी, और अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत मशहूर जूस की दुकान है, और वहाँ से मन्नी लेगी अपना मैंगो शेक। जो ये लेंगे थोड़ा सा मुझे भी दे देना, नहीं नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ ये वाला
तुम आइसक्रीम लोगे तुम्हारे जो डालेंगे चीनी अलग से डालेंगे नहीं जैसे तू बनवा रही दोनों में आइसक्रीम और अब हाँ आए हुए हैं खरबंदा जूस एंड शेक और मन्नी स्पेशली लेके आई है मुझे पता नहीं कहाँ से घुमा घुमा मैंने नहीं ढूंढा ये तुम्हारी तुम लोग कहते हो ना यहाँ के जूस बहुत अच्छे होते हैं एक बार याद है रात को मम्मी पापा को भी लेकर आए थे अनार का जूस पिलाने जब मैं प्रेग्नेंट थी राहुल तुमने मुझे यहाँ के बहुत पिलाया अनार के जूस ये कौन सा आम है सफेदा यहाँ पे बुक शॉप है वहाँ से ना 10th की NCERT उठा के लेकर आई हूँ पहला चैप्टर है रैशनल नंबर याद है तुम्हें रियल नंबर बताओ रियल नंबर क्या होते हैं यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं जीरो से स्टार्ट होते हैं माइनस में भी होते हैं रियल नंबर तो रियल नंबर से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नहीं हाँ। इसने बोला यार मैं सच में भूल गई रियल नंबर क्या होते थे 1 2 3 4 1 2 9 जीरो से नहीं स्टार्ट होते थे जीरो इज नॉट ए रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज अ रियल नंबर और वो कौन से होते थे प्लस माइनस वाले इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर होते थे जिनमें रूट आता था या डेसिमल वाले या फिर फ्रैक्शन वाले है ना HCF LCM LCM होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये एक्स वाई वाला मेरा फेवरेट था मैं अच्छा कर लेती हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वेरी नाइस यार सेम बुक है हमारे टाइम वाली उसका कवर यही था राहुल आज से 20 साल पहले भी कवर यही था किताब का गाइस बताना कमेंट सेक्शन में जो हमें देख रहे हैं उनमें से कौन कौन बच्चे 9 10th 11th 12th मतलब स्कूल में है हायर स्कूल में और बताना कि आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है मैथ्स के अंदर और जिनके पास मैथ्स नहीं है उनका किसी और सब्जेक्ट में कौन सा फेवरेट टॉपिक है थैंक यू ये लो तुम्हारा मैथ का सेक्शन तो गाइस टाइम हो गया है 5:05 और 5 बजे मेरी एक ऑफिस की कॉल है वो भी निपटा लेंगे उसके बाद मेरी ऑफिस की कॉल है 7 या 7:30 बजे और कोई बहुत मेजर कॉल्स और मीटिंग्स नहीं है आज तो फ्राइडे वैसे ही थोड़ा कम काम होता है तो वीकेंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है और जिम वाले सर आएंगे 6 बजे पर मन बिल्कुल नहीं करता आजकल जिम करने का कमेंट सेक्शन में बताना कौन है जो लगातार वर्कआउट कर रहा है और कौन है जो रोज़ बहाने मार रहा है कि वर्कआउट आज ना करना पड़े तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है लेकिन अगर मिस करूँगी एक तो पैसे बर्बाद जाएंगे जो सर को फीस जाती है और अपनी बॉडी का तो नुकसान होएगा ही होएगा और जो इम्पल्सिव डिसीजन लेके मैंने मैंगो शेक पी लिया है उसकी कैलोरीज भी बर्न तो करनी पड़ेंगी मोटा तो जा रहा है बास्केटबॉल खेलने तो ऐसा ना हो कि वो अकेला पतला हो जाए और मैं मोटी रह जाऊँ मुझे एक बात बताओ तुम पीछे के रूम का एसी खुला हुआ छोड़ गए थे मुझे लग रहा है कहीं से हवा आ रही है पर मैं बंद करके गया था आई गेस नहीं जी ऑन है मैंने अभी बंद किया है हां जी हां तो मैं बब्जी और लेडी वाले से मिलो हेलो बाबा बब्जी अब इसका वो उतर गया मजनू पर हां है ना अब सही हो गया ये अब लाड लेने मेरे पास आया है नहीं तो इसके पास आ गया था अब बिल्कुल अलग-अलग हो गए हैं दोनों चलो बैठो तुमने इतना पानी क्यों बिखेर दिया यहाँ ताकि ठंडा हो जाए ना ये अंदर जा ही नहीं रहे हैं ये ना बचपन के टाइम में याद है पुराने जमाने में यही होता था शाम के टाइम में सब अपने अपने घरों के बाहर ना पानी फेंकना शुरू कर देते थे कि ताकि ना जितने भी भाप है इवन हम जब बाहर रहते थे मम्मी पापा के साथ छत पे याद है शाम को रोज पानी फेंक के हम भाप निकालते थे है ना गर्मी होती है ना कितना इनोसेंट लग रहा है देखा तुमने कोयल कहीं से कू कू कर रही है देखना शक्ल देखना इसकी अब इसको माँ चाहिए हैं जब इनकी अंदर की जवानियाँ फूट रही होती तब इन्हें लड़कियाँ चाहिए अब इसको माँ का प्यार चाहिए है बब्बा उस टाइम तो तू मेरे को देख भी नहीं रहा था ऐसा सख्त हुआ हुआ था सख्त लौंडा बना हुआ था सख्त लौंडा और यहाँ मन्नी अपनी ऑफिस की कॉल साथ में ले रही ले चुकी है अब खाली टाइम है अब कोई मीटिंग्स नहीं है अब इनके साथ टाइम स्पेंड करो देख लो कैसे कैसे ना कहते ना रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नए नए सांचे में ढलते हैं इसका जब मन होता है ना आके लाड ले लेता है जब नहीं होता नहीं लेता अब देखो कैसे मेरे पास आया राहुल मुझे लगता है इनको नहाने की जरूरत है कल नहीं लाते क्योंकि जब इनके बाल झड़वाए थे वो कट करवाए थे उसके बाद नहीं नहलाया ना हमने इनको और अब बाल आ गए हैं बड़े वो हो रहे हैं मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है इनकी आज मम्मा से पावर आया वो तेरे को इसको किसी कर दे लोग कह रहे थे मेरा बेटा है जब है तो मेरे ही बच्चे ना चाहे गुस्सा करे चाहे कुछ भी करे हम भी तो अपने माँ बाप को करते हैं ना गुस्सा काटे तुम्हें मुझे क्यों काटे
काटियो वाटियो मत बब्जी, पता है प्रॉब्लम क्या है काटने में? दर्द होगी नंबर वन, नंबर टू काफी दिनों के लिए मैं नॉन फंक्शनल हो जाऊंगी और मेरा घर मेरी फंक्शनिंग करे बिना चलेगा। पर इसने आज तक किसी को नहीं काटा, नहीं काटा बच्चे को, काटा नहीं किसी को, बुड्ढे ने काटा नहीं किसी को, काटा नहीं है इसने किसी को। वैसे ही ना थोड़ा इसका नाम कहीं मैंने देखा वो है बहुत ज्यादा कहर बब्जी, ये क्या कर रही है? इसको तो बहुत बेटे छोड़ दे अब इस चीज़ों, ओला बॉल छोड़ो मम्मा को दो, दो दे दो दे दो, ओले तुम कितने खराब हो ना, तुमने जान के शूटी का मांड दिया ना इसको, जान के झूठे झूठ मत बोलो, तुमने जान के ना पड़ोसियों को डराने के लिए इसको ना इन्होंने पता कैसे बोले राहुल ने कैमरे के पीछे खड़े होकर, और वो बेचारा ना इतना भोला भाला है ना तुम्हारे कहने पे ना ऐसे करनी शुरू कर देता है चीजें। वो जो गाना है जन गण मन अधिनायक जय हे, उसमें कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ही तो वो। इस लड़के को सिर्फ एक ही शब्द आता है बोलना, क्या आता है शिवू? क्या आता है आपको बोलना? पुरानी वीडियोस देख रही है तू? अच्छा चलो अब हम ना हाँ यार मैं शिवाय की पुरानी वीडियोस देख रही हूँ, मैं वही देख रही हूँ कि इस लड़के को क्या हो गया, ये तो बोलता था और अब नहीं बोलता, इमोशनल हो गई मैं। तो गाइज मेरे पास शिवाय की ना काफी पुरानी सी वीडियोस भी पड़ी हैं, हम लोग मतलब कहीं पोस्ट नहीं करते थे लेकिन अपने लिए जैसे वीडियोस ब्लॉग टाइप बना के रख लेते थे। अगर आपको देखनी है वो पुरानी वीडियोस तो आप बता देना, उसमें क्या करेंगे जो डेली ब्लॉगिंग है वो हम सुबह डाल दिया करेंगे और शाम को 5 या 6 बजे हम ये पुरानी वीडियोस भी पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि इनका बचपन भी कैसा था। तो जितना कंटेंट मेरे पास होगा मैं प्रॉमिस नहीं कर रही रोज आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट में बताना जरूर, अगर आप में से 20-25 लोगों ने भी बोला कि चाहिए तो मैं फिर पोस्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए। इस बच्चों को ले आए थे नानी के घर से वापस, रात के बज रहे हैं 10:30, इन्होंने अभी भी इनकी मस्तियाँ चली जा रही है नॉन स्टॉप। जेजू बस करो, नो मस्ती, मारू चाटा, चाटा मारू मम्मा, चाटा मारे मम्मा, चाटा खाना, चाटा मारू, चाटा मारू, चाटा मारू, हाँ ताता मारू, सबको बाय कर दो, बाय। कोका 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 सुनना है तेरा, कोका 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 सुनना है पहले सबको, बालू नहीं, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। तो जबरदस्ती बुलवाओ तो ही बोलता है ये, अंडर प्रेशर। हाँ जी मुंह में क्या आपके, ओपन योर माउथ, जे सबको बाय बाय कर दो, बाय बाय बोल दो, गुड नाइट जी करो, वेरी गुड। मम्मा को किसी करोगे? गाइज इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मैं थकी मरी पड़ी हूँ बहुत ज्यादा और कल से शादी की शॉपिंग स्टार्ट है, भाई की शादी की। आप आगे के ब्लॉग्स देखते रहना कि हम लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, कपड़े, ज्वेलरी, सामान, गिफ्ट और अपने पर्सनल कपड़े हम क्या पहनने वाले हैं। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय करो नोबी, बाय बाय, गुड नाइट।